आज पूरा देश नम आंखों से रतन टाटा को अंतिम विदाई दे रहा है। पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन का वक्त जो है सुबह 10:30 बजे से रखा गया है शाम 4 बजे तक। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि लेजेंड रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, लेकिन ज़रा सोचिए आप कि जिस वक्त वो अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियां झेल रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने टीम के जरिए ये सोशल मीडिया पर शेयर करवाया कि कोई उनकी सेहत को लेकर र्यूमर ना उड़ाए, यानी कि अफवाह किसी भी तरीके की ना फैलने दी जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके वेलविशर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो कम से कम चैन सुकून से रहें और उनकी सेहत की परेशानी उनकी परेशानी ना बने। ऐसे में रतन टाटा जो अपने अंतिम सफ़र पर आज हैं, अंतिम यात्रा उनकी एक तरीके से निकल रही है, पार्थिव शरीर जो कि तिरंगे में लिपटा हुआ है, महाराष्ट्र जहां पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है, सभी जो सरकारी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक प्रकट किया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो पल याद किए हैं जब वो रतन टाटा से मिले थे। साथ ही रतन टाटा जो दूरदर्शी सोच वाले बिजनेसमैन रहे, या फिर ये कहिए कि दूरदर्शी सोच वाले जो बिजनेस लीडर रहे, उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया है। व्यापारी के साथ साथ उनके परोपकारी सोच को बहुत ज़्यादा याद रखा जा रहा है। जब जब मुश्किल की घड़ी आई, तब तब रतन टाटा आगे बढ़कर मदद के लिए सामने आए, और आज यही सब वजह है कि गरीब तबके से लेकर मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लोग भी रतन टाटा को याद कर रहे हैं। एनसीपीए नरीमन पॉइंट से प्रथमेश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। प्रथमेश, तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर हम रतन टाटा का भी देख पा रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी, अंतिम यात्रा पर रतन टाटा। आंखों के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे, सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ मैं आपको कि ये है पार्थिव शरीर, जो रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है उसे वहाँ पर रखा गया है, और सबके जो आँखें हैं वो नम है। जिस तरीके से जो रतन टाटा ने कल जिस तरीके से जो सफ़र है उसका जो एक सफ़र ख़त्म हो चुका है, और जिस तरीके से कल उनका निधन हो गया है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस लिया था और आखिरी सांस के साथ ही उनके जो उनका निधन हो चुका था। हालांकि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, एक देश को एक अलग पहचान दी थी, देश को एक अलग जिस तरीके से प्रोजेक्ट में हो जाए, देश का कोई प्रोजेक्ट हो जाए उसमें सहयोग किया था, अलग अलग जो सहयोग है वो इनके तरफ से किए गए थे, टाटा ग्रुप जो कंपनी है उसे इतना ज़्यादा खड़ा किया था। तो इसके साथ ही देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों के आँखें हैं फिलहाल नम है, और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और लगातार उनका जो एक आखिरी दर्शन लेने के लिए जो लोगों को जो आखिरी दर्शन लेना है वो उन्हें लेना है। और इसलिए देख सकते हैं जो एक उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है, और भारी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर कर दी जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी यहाँ पर परमिशन दी गई है और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से जो उनका जो आखिरी दर्शन है वो लेने के लिए कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो कई जर्नलिस्ट है, कई जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर कोई बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और लगातार जो है उनका जो आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए, फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रतन टाटा का एक बहुत बड़ी जो तस्वीर है वो यहाँ पर रखी गई है, और उसके सामने ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और उनके साथ ही जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके एक अंतिम दर्शन के लिए, ताकि जिस तरीके से उन एक अंतिम दर्शन लेने के लिए सभी लोगों को एक मौका मिले, इसलिए फिलहाल जो है अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में जो है यहाँ से भी जो अभी 10:30 का जो समय हो चुका है, 10:30 से जो 4 बजे तक का है
वो यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो अंतिम संस्कार के लिए वर्ली जो है यहाँ से ले जाया जाएगा, ताकि उनको जो पंचतत्व में विलीन कर सके। इसलिए हालांकि जो एक बहुत बड़ी एक क्षति हुई है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी क्षति हुई है पूरे देश को, और किस तरीके से यहाँ पर जो है जो लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे, कई बड़े नेता भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। हालांकि ऐसे सूत्रों की तरफ से ऐसी भी खबर है कि जो अमित शाह है, गृह मंत्री है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा लॉस था, और कल जिस तरीके से निधन के बाद प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर डाली थी रतन टाटा और उनकी तस्वीर डाल के जो एक दुख जताया था। हालांकि जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और ये और जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर दीपक केसरकर, ये सब लोग जो है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ का सिचुएशन का जायजा लिया था, उनसे मिले, उनके परिवार वालों से। तो इन सब चीज़ों के बाद अब जो है उनका जो पार्थिव शरीर है अब एनसीपीए में लाया गया है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इनका जो आखिरी जो एक अंतिम दर्शन है वो यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल वापस से मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और थोड़ी देर में जो है इनका जो 4 बजे के करीब यहाँ से जो अंतिम संस्कार की जो यात्रा है वो यहाँ से निकाल ली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, 86 एज थी इनकी, और इनके जो अगर काम की बात करो तो एक काम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस तरीके से टाटा ग्रुप को खड़ा किया था, एक डेवलपमेंट की इंडिया के डेवलपमेंट को कितना सपोर्ट किया था, टाटा स्टील हो जाए, टाटा पावर कंपनी हो जाए, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है, कितने हेल्थ प्रोजेक्ट्स को इन्होंने दिया था। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जो है तिरंगा है उसमें उनका जो पार्थिव शरीर है पूरी तरीके से लपेटा गया, क्योंकि जिस तरीके से पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार दिया गए हैं, और पद्म भूषण पुरस्कार को जिस तरीके से एक राष्ट्र सलामी दी जाती है, आप देख यहाँ पर जिस तरीके से पार्थिव शरीर जो है अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो है जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या फिर कोई नेता है, ये सब आप रहिए मेरे साथ में, तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम देख रहे हैं जहाँ पर तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर रतन टाटा का हमारी आंखों के सामने है। आपने बताया कि थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, जो सरकार की तरफ से पहुंचेंगे अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए। कई ऐसे बड़े सेलेब्स भी हैं जिनकी तरफ से रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया गया है, जिनमें श्रद्धा कपूर हैं, सलमान खान हैं, विकी